नाजरीन, पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.1 के शुरू वाले क्वेश्चन सॉल्व किए। सॉल्व मीन के हमने उन क्वेश्चंस में एक्स को आइसोलेट किया। अब हम उसके नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं इस लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 1 का 8th पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, काफी दफा ये पेपर में आ चुका हुआ है, बहुत से बोर्ड्स के पेपर में। अब देखें इसमें हमारे पास क्या है, इसमें हम x नॉट इक्वल टू 1 है, क्योंकि अगर 1x हो तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और 2 डिवाइडेड बाय 0 या एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 वो हमारे पास पॉसिबल नहीं है। तो इसको सॉल्व करते हैं, हमारा सॉल्यूशन जो है वो x इज इक्वल टू 1 आ जाता तो उसको हम सॉल्यूशन सेट का हिस्सा नहीं लेते। थोड़ा सा ये डिफरेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में यहाँ पर भी x माइनस 1 है, यहाँ पर भी x माइनस 1 है, तो ये टर्म्स बिल्कुल एक जैसी लग रही है, उन दोनों में x इन्वॉल्व है और बाकी दो टर्म्स जो हैं वो विदाउट x हैं। तो हम सबसे पहले ही इनको आइसोलेट कर लेते हैं, x वाली टर्म्स को। वो जब इधर शिफ्ट होगी तो माइनस टू ओवर x माइनस 1 हो जाएगी इज इक्वल टू 5 ओवर 6 को हम शिफ्ट नहीं कर रहे, ये एज इट इज रहेगा, प्लस 1 ओवर 3 उस तरफ जाके माइनस 1 ओवर 3 हो जाएगा। अब क्योंकि ये टर्म्स बिल्कुल सेम है तो इनका एलसीएम यही टर्म आ जाएगी, ऊपर आ जाएगा 2x माइनस 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखें 6 है और 3 है क्योंकि इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल 6 है, तो हम यहाँ पर 6 लिखेंगे, यहाँ पर 5 माइनस, क्योंकि 6 पर 3 का टेबल दो दफा जाता है, इसलिए जो 2 है ये 2 इसके न्यूमिरेटर से मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब देखें यहाँ पर इन दोनों टर्म में 2 इन्वॉल्व है, 2 कॉमन ले तो x माइनस 1 बचता है, नीचे x माइनस 1 मौजूद है, यहाँ पर 5 माइनस 2 3 हो जाता है ओवर में 6। अब देखें यहाँ पर x माइनस 1 कैंसिलेशन हो जाएगी उसकी x माइनस 1 के साथ, तो 2 इज इक्वल टू 3 ओवर 6 आ गया। देखें यहाँ पर 3 ओवर 6 जो है ये 1 ओवर 2 बन जाता है, और 2 हमारे पास 1 ओवर 2 के इक्वल नहीं होता, ये फॉल्स आ गया। बेसिकली देखें जब हमारे पास एक कोई अनाती है शुरू में, अगर उसमें x इन्वॉल्व होता है तो वो एक ओपन सेंटेंस है, यानी कि वो ट्रू भी हो सकता है, वो फॉल्स भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जब हमारे पास वाजे आ जाए कोई नंबर, कोई कांस्टेंट नंबर्स, वो तभी इक्वल होते हैं जब वो एग्जैक्ट इक्वल होते हैं। बेसिकली हमारे पास 3 कंडीशन होती है सेंटेंसेस की, यानी कि जिस तरह के 1 प्लस 3 है इज इक्वल टू 4 है, तो ये ट्रू सेंटेंसेस हैं, यानी कि ये करेक्ट हैं। अगर हमारे पास 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 आ जाए, तो यानी कि क्योंकि 1 प्लस 3 4 होता है, तो पहली कंडीशन क्या थी, ट्रू थी, पहला सेंटेंस ट्रू है, ये फॉल्स हो गया। इसी तरह कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें x वगैरह इन्वॉल्व होता है, 3x इज इक्वल टू 2 हो गया, या जितने भी क्वेश्चन है, तो उसको हम कहते हैं ओपन सेंटेंस। ओपन सेंटेंस को सॉल्व करते हैं तो उसमें कुछ ट्रू वैल्यूज भी निकल आती हैं, कुछ फॉल्स भी निकलती हैं। तो यहाँ पर देखें ये फॉल्स हो गया क्योंकि इसमें x इन्वॉल्व नहीं है, 2 नॉट इक्वल टू 1 बाई 2 होता है, सो देर इज नो सोल्यूशन। हम यहाँ पर कमेंट कर देंगे देर इज नो सोल्यूशन, और अगर हम सोल्यूशन सेट लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर हम सोल्यूशन सेट लिखेंगे एम्प्टी सेट। अब देखें यहाँ पर बच्चे गलती क्या करते हैं, एम्प्टी सेट या इस तरह लिखा जाता है और या इस तरह लिखा जाता है। ये एम्प्टी सेट की सिंबल नहीं है क्योंकि ये एक सिंगलटन सेट आ जाता है जिसमें एक एलिमेंट है जिसको हम फाई कहते हैं, तो खाली सेट जब आपने लिखना है या एम्प्टी सेट लिखना है तो उसके लिए ये सिंबल इस्तेमाल करनी है या ये सिंबल इस्तेमाल करती है, उसका सॉल्यूशन सेट जो है वो एम्प्टी सेट निकल रहा है। क्वेश्चन 1 का 9th पार्ट है जिसका अर्लियर मैंने जिक्र किया था कि इसमें एक्स स्क्वायर इन्वॉल्व है, तो एक्स स्क्वायर इन्वॉल्व हो तो यहाँ पर ये सारी टर्म्स लीनियर नहीं है, यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक बन रही है, यानी कि वो एक्स की वो टर्म इन्वॉल्व हो रही है जिसकी पावर 2 है। अब देखें इसको हल करने के लिए इसकी डोमेन भी हमारे पास प्लस 1 और माइनस 1 नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों कंडीशन अगर हम प्लस 1 रखें तब भी डिनोमिनेटर में 0 बन सकता है, ठीक है, और माइनस 1 यहाँ पर रखें तो इधर यहाँ पर फिर भी 0 बन सकता है, और यहाँ पर सिर्फ माइनस 1 रखने से 0 बन सकता है, सो हम x की दो वैल्यूज जो है वो नहीं ले सकते प्लस 1 और माइनस 1। तो इसको भी अगर हम हल करना चाहें तो थोड़ा सा इजीली हम अगर हल करना चाहें तो ये टर्म बिल्कुल एक जैसी टर्म्स है, 1 ओवर x प्लस 1 है, ये भी 1 ओवर x प्लस 1 है, तो इनको हम सेम साइड पर शिफ्ट कर लेते हैं, ये क्योंकि माइनस वाली है तो उस तरफ जाके प्लस वाली टर्म हो जाएगी। अब देखें 2 ओवर ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 को 1 का स्केयर लिखा जा सकता है, यहाँ पर x प्लस 1 है
एक्स प्लस वन एलसीएम आ जाएगा ऊपर वन प्लस वन, क्योंकि वन को वन का स्केयर इसलिए लिखा जा सकता है कि वन का स्केयर होता है वन मल्टीप्लाइड बाय वन, तो वन मल्टीप्लाइड बाय वन वन ही होता है, तो सो हम वन को वन का स्केयर लिख सकते हैं। अब एक बहुत ही हमारे पास फेमस फार्मूला है ए स्केयर माइनस बी स्केयर विच इज इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी। इसको यहां पर हम यूज करेंगे, एक्स स्केयर माइनस वन है तो इसको हम लिख लेंगे ए माइनस बी यानी कि एक्स माइनस वन और ए प्लस बी यानी कि एक्स प्लस वन इज इक्वल टू वन प्लस वन टू हो गया ओवर में है एक्स प्लस वन। इसके डिनोमिनेटर में भी एक्स प्लस वन इन्वॉल्व है और इसके डिनोमिनेटर में भी एक्स प्लस वन इन्वॉल्व है, तो ये कैंसिलेशन हो जाएगी इनकी। इसी तरह टू यहाँ पर भी इन्वॉल्व है, टू यहाँ पर भी इन्वॉल्व है, तो इनकी कैंसिलेशन भी हो जाएगी, यहाँ पर भी वन बचेगा यहाँ पर भी वन बचेगा, तो हम हमारे पास आएगा वन ओवर एक्स माइनस वन और इज इक्वल टू वन। अब x माइनस वन जो है इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे वन के साथ, इधर डिवाइड और उधर मल्टीप्लाई होगा जाके माइनस वन, और वन को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो x माइनस वन ही रहेगा। अब हमने क्योंकि x को आइसोलेट करना है तो माइनस वन इस तरफ आके प्लस वन हो जाएगा, तो इधर x रह जाएगा। सो हमारे पास जो x बचेगा वो किसके इक्वल आएगा, वन प्लस वन इक्वल टू टू, तो सोल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर वन का टेंथ पार्ट है, ये भी ऑलमोस्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स और क्वेश्चन नंबर सेवन की तरह का है कि देखें यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है 3x plus 6 और यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है अगर हम कुछ कॉमन लें इनमें से तो ये एक जैसे बन जाएंगे, यानी कि 2 ओवर इन दोनों टर्म में से 3 कॉमन आ सकता है, तो x प्लस 2 3 टाइम्स 6 होता है, तो इसलिए यहाँ पर 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 1 ओवर 6 माइनस यहाँ पर 2 कॉमन आ सकता है तो x प्लस 2 आ जाएगा। अब देखें यहाँ पर भी x प्लस 2 इन्वॉल्व है, यहाँ पर भी x प्लस 2 इन्वॉल्व है, और इसके अलावा जो हमारे पास नंबर्स इन्वॉल्व हैं 2 3 और 6, क्योंकि इन 2 3 और 6 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल 6 है, तो सो हम मल्टीप्लाइंग करेंगे बाय 6 इंटू एक्स प्लस 2। हमारे पास तीन टर्म्स आ रही हैं, तीनों टर्म्स को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 6 इंटू एक्स प्लस 2 के साथ, तो जब फर्स्ट टर्म आएगी उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू एक्स प्लस 2 के साथ, इस तरह सेकेंड टर्म को हम मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 1 ओवर 6 है, इसी तरह थर्ड टर्म है जो उसको 6 इंटू एक्स प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। कैंसिलेशन होगी यहाँ पर, एक्स प्लस 2 से कैंसिल हो जाएगा, 3 2 टाइम्स 6 होता है। अब 2 और 2 मल्टीप्लाई होके 4 इज इक्वल टू 6, 6 से कैंसिल आउट हो गया, x प्लस 2 1 से मल्टीप्लाई होके x प्लस 2 ही आ जाएंगे, माइनस x प्लस 2 से कैंसिल आउट हो गया, 2 3 टाइम्स 6 होता है, तो यहाँ पर हमारे पास माइनस 3 आ जाएगा, तो 4 इज इक्वल टू x प्लस का 2 और माइनस का 3, माइनस का 1 बचेगा, तो माइनस का 1 इक्वल के इस साइड पर लेकर आएंगे तो प्लस 1 हो जाएगा, सो x हमारे पास आइसोलेट हो गया जिसकी वैल्यू 4 प्लस 1 यानी कि 5 है, तो हम x को लिख सकते हैं इक्वल्स टू 5, तो सॉल्यूशन सेट क्या आएगा इसमें 5। इस तरह ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है।